आम की चोरी। एक जंगल में आम का एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर बहुत सारे पके हुए आम लगे हुए थे। उस आम के पेड़ का मालिक एक चील था। चील बहुत दुष्ट था। वो पूरा दिन उस पेड़ की रखवाली करता था। उसी जंगल में टूनी चिड़िया और उसके दो दोस्त कल्लू और मिट्ठू भी रहते थे। एक दिन कल्लू बोला, जानते हो, कल मैं चील चाचा के घर गया था। उनके घर में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ लगा है और उस पर बहुत सारे पके हुए मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। मुझे तो आम को देखते ही मुंह में पानी आने लगा था, लेकिन चील चाचा आम की रखवाली कर रहे थे, इसलिए मैं चुपचाप वापस आ गया। दोस्तों, मैं तो बोलता हूँ हम तीनों आज उस आम को तोड़ने चलते हैं। कल्लू की बात सुनकर मिट्ठू बोला, हाँ कल्लू भाई, मैंने भी उस आम के पेड़ को देखा है और पता है मैंने तो पिछली बार एक आम तोड़कर खाया भी था। बहुत मीठा था वो आम। उसके बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ गया, इसलिए चलो आज हम उन सारे आम को तोड़ लेते हैं। इतने में टुनी चिड़िया भी बोली, अरे दोस्तों, मैंने भी उस आम के पेड़ को देखा है। सच में उसके आम बहुत रसीले और मीठे हैं। लेकिन मेरी माँ बोल रही थी कि उस आम के पास भूलकर भी मत जाना, क्योंकि उस पेड़ का मालिक चील बहुत दुष्ट है। पिछली बार एक चिड़िया ने सिर्फ गिरे हुए आम खाए थे, चील ने उसे जान से मार दिया था। तभी कल्लू बोला, अरे टूनी, तुम तो बड़ी डरपोक हो यार। अगर वो हमें पकड़ भी लेगा तो हम तीन लोग हैं, और वो अकेला अगर उसने कुछ बोला तो उसको वही मारने लगेंगे। तीनों दोस्त उस आम के पेड़ के पास चले जाते हैं। वहां चील आम के पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। कल्लू बोलता है, देखो दोस्तों, चील अभी सो रहा है, यही अच्छा मौका है। मैं यहीं से चील को देख रहा हूँ। अगर नींद से उठा तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगा। मिठू तोता, तुम अपनी चोंच से आम को काट कर गिरा देना, और टूनी चिड़िया उस आम को उठाकर मेरे पास लाओगी, ठीक है? अब जल्दी जाओ। टूनी चिड़िया और तोता आम को तोड़ने चले जाते हैं। मिठू तोता जैसे ही अपनी चोंच से आम को तोड़ता है, वो आम सीधा चील के सर पर गिर जाता है। चील अचानक नींद से उठ जाता है। ये देख कौआ और तोता टूनी चिड़िया को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। इधर चील बहुत गुस्से में होता है और टूनी चिड़िया को पकड़ने को दौड़ने लगता है। टूनी बिचारी जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। टूनी उस घटना के बाद बहुत बड़ी सीख मिली कि माँ और बाप के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।